हमारा नौजवान बच्चा जो है यहाँ पर इस इलाके के अंदर इतना ज्यादा हमारा ये प्रकोप हो रहा है क्योंकि ये नौकरी नहीं मिलती तो ड्रग्स लेना शुरू हो गए। बुरे हाल हो रहे हैं हमारे नौजवान, नौकरी के लिए तरसते हैं, मालूम नहीं है कि कहाँ जाए नौजवान बच्चे जो है। एक बात याद रखियो भाई, बूढ़े बुजुर्गों सारी तो निकल गई सारी उम्र ठीक ठाक, इन छोरों की नौकरी मिले कुड़ी और इनका ब्याह भी कुड़ी हो, ये भी याद रखियो। कौन देगा भाई छोरी अपनी, जब नौकरी कुड़ी छोरेगी तो छोरी कौन देगा भाई। फौज का विनाश कर दिया, फौजी की बेटियों में मैंने मेरा है भाई। हमारे छोरे जाया करते थे फौज में, आज अग्निवीर बना दिए, जब वो के रिटायर हो क्या होगा छोरा, जब उसका ब्याह करने का टाइम है भाई कौन देगा छोरी। सारे पूछने लग लिए कि भाई बताओ ये पक्का है या पक्का फौजी है या कच्चा फौजी, ऐसे ही हो रहा है ना। तो सच्चाई ये है, सच्चाई ये है, असलियत ये है, सामना करो इसका। अब जब और कुछ नहीं मिला तो राम मंदिर शुरू हो गया, सुनो भाई एक मिनट, तो राम मंदिर शुरू हो गया। बताओ भाई यहाँ जितने बैठे हो सारे भगवान हमारे कण-कण में है या नहीं है, रात में हम दिया बाती करके सोते या नहीं सोते, सुबह सुबह राम का नाम लेके उठते नहीं उठते। तो भाई राम के नाम के ऊपर राजनीति शुरू हो गई, इब्राह के लिया जबकि मैं और नहीं मिला, नौकरी नौकरी मिले पड़ी, महंगाई इतनी हो गई, महिलाएं वैसे त्रस्त है, सारा कुछ बर्बाद कर दिया, पानी बिजली की बात हो, बिजली के बिल मोटे मोटे बिल आ रहे हैं, उसमें नॉन एनर्जी चार्जेस लगा कर भेज रहे हैं। विधानसभा में मैंने पूछा कि क्या जरूरत है ये बिल आपको इतने मोटे मोटे देने की, क्योंकि जब आप उपभोक्ता जो है इस्तेमाल नहीं कर रहा तो नॉन एनर्जी चार्जेस का मतलब क्या होता है, बोल वाले रह रहे हैं कोई बात ही, मोटे बिल आ रहे नहीं आ रहे बिजली के, बताओ भाई सारे। ये है सच्चाई इस सरकार की, कानून व्यवस्था पूरी तरह से विफल, खत्म हो चुकी है कानून व्यवस्था। तो रह क्या गया, रह ये गया कि आपस में बढ़ाओ जात पात की, छत्तीस बरादरी को बांटो। अब और कुछ नहीं मिला तो राम का नाम लेके बांटो भाई, राम के नाम के ऊपर तो जुड़ता है आदमी, राम नाम उदमंगलकारी विघ्न हरे सब पातकहारी, उसका नाम लेते ही सारे विघ्न दूर हो जाते हैं, होते है नहीं होते हैं। तो आज जो है उसके नाम के ऊपर राजनीति करी जा रही है भाई, याद रखना इन चीजों। आने वाले टाइम में गांठ बांध लो अपनी अपनी चुंदड़ियों के दम भाई, जितनी आई लड़े और तम भेजो भाई अपने मंडासों के और जो छोरे पहन रहे अपने कमीज, आगे अगर विकास चाहिए तुम्हारे को अपने लिए तो तुम्हारे को इनको बाहर करना होगा, महंगाई कम करनी करना चाहते हो इनको बाहर करना होगा, गैस का सिलेंडर 400-500 रुपए का करवाना चाहते हो तो इनको बाहर करना होगा, सच्चाई के रास्ते के ऊपर चलना चाहते हो और अपने इलाके का विकास करवाना चाहते हो तो इनको बाहर करना होगा। बताओ संकल्प लो आज मेरे सामने सारे के सारे, 2 महीने के अंदर अंदर पार्लियामेंट का चुनाव है, ये पार्लियामेंट का चुनाव जो है ये एक जो है ना वो पहला वो प्रीमियर दिखा देगा, छोटा सा ट्रेलर दिखा देगा सारा का सारा। तो ये ट्रेलर अगर तुमने दिखा दिया और यहाँ से लोकसभा चुनाव जो है वो चिता कर भेजोगे तो भाई इससे बड़ा थप्पड़ इनके मुंह पे नहीं होगा, ये याद रखिए, समझ रहे हो ना। तो इसलिए संकल्प करो कि अब बहुत हो गया है, किसी नेता के लिए नहीं किसी पार्टी के लिए नहीं मैं कहूंगी, सच्चाई की बात मैं करती हूँ। आपको अपना अगर कुछ भविष्य चाहिए, अपने बच्चों का चाहिए, अपनी बढ़ोतरी चाहिए तो याद रखना ये बीजेपी को बाहर करना। तैयार हो, तैयार हो सारे, तो ये तैयार होकर जितने यहाँ आए हैं और जितने नहीं आए हैं उनको भी, और बलवान दौलतपुरिया जी को मैं दोबारा से बधाई देती हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग मजबूती के साथ इनके साथ खड़े होंगे, रोडी साहब के साथ खड़े होंगे, हमारे कांग्रेस जनों के साथ आप खड़े होंगे, और आने वाला समय भविष्य का समय आप लोगों का समय है। और निश्चित तौर पर मैं यहाँ पर शैलजा जी बैठी है, हम दोनों आपको वायदा करते हैं
कि निश्चित तौर पे जो जनहित के काम होंगे वो हम आपको करके दिखाएंगे। झूठ बोलने वाले लोग हम नहीं है, लारे लप्पे हम नहीं लेते, हर एक इलाके में जाके थापी नहीं मारते हम कि भाई करने भी बना देंगे, एमएलए करने भी बना देंगे, एमपी करने भी बना देंगे, ये काम हम नहीं करते। हम कांग्रेस के सिपाही हैं और सच्चाई के रास्ते के ऊपर चलते हैं। इसलिए आपसे मेरा अनुरोध है कि आप लोग मिलजुल कर हमारे हाथ मजबूत करो ताकि आने वाले समय में मजबूती के साथ, सच्चाई के साथ